हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चले फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के, ठीक है फ्रेंड्स, मैथ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सवाल को आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर यहाँ पर आपका पहला दिया है कि 2.6 गुणे 2.6 माइनस 2.4 गुणे 2.4, और अपान में दिया है 2.6 प्लस 2.4 का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बोल रहा है कि 2.6 इंटू 2.6 और माइनस का दिया है 2.4 इंटू 2.4। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट्स में होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है, इतना आपको मालूम होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2.6 प्लस 2.6 दिया है, यानी कि दोनों क्या है, सेम दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मानेंगे फ्रेंड्स कि माना, देखिए फ्रेंड्स इसको हम मान लेंगे कि माना जो आपका 2.6 दिया है, 2.6 इज इक्वल टू ए मान लेंगे, और यहाँ पर जो आपका 2.4 दिया है फ्रेंड्स, इसको हम बी मान लेंगे। तो जहाँ पर 2.6 दिया वहाँ पर हम ए लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है 2.6, तो इसके जगह पर जब हम ए लिखेंगे तो यहाँ पर भी इनटू में भी ए होगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2.4 दिया है तो इसका जब क्या रखेंगे, बी, तो बी इंटू बी, और अपान में कितना होगा फ्रेंड्स, अपान में हो जाएगा 2.6 जगह पर कितना हो जाएगा, ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, और प्लस का चीज़ देखिए, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, और 2.4 के जवाब क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 2.4 के जवाब लिखेंगे बी, क्या हो जाएगा बी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ए इंटू ए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और माइनस बी इंटू बी का हो जाएगा फ्रेंड्स बी स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जवाब लिख सकते हैं ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट्स में ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट्स में ए माइनस बी, और अपान में हो जाएगा फ्रेंड्स ए प्लस बी, कितना हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी यानी कि ए का जवाब क्या दिया है फ्रेंड्स, 2.6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.6 और माइनस का बी के जवाब क्या लिखेंगे 2.4। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यदि हम 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 2 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 0, यानी कि आपका फ्रेंड्स कितना आ गया 0.2 आ गया। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स, यानी कि 0.2, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा कि राइट हो जाएगा। अब चले देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो आपका दूसरा प्रश्न दिया है कि 2.6 इंटू 2.6 माइनस 2.4 इंटू 2.4 अपान में 2.6 माइनस 2.4। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन था इसमें आपका प्लस चिन्ह दिया है, और यहाँ पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 2.6 इंटू 2.6 माइनस का 2.4 इंटू 2.4 अपान में 2.6 माइनस 2.4। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका प्लस चिन्ह दिया था लेकिन यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह दे दिया है। तो सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे कि जहाँ पर आपका 2.6 दिया है तो इसको हम मान लेंगे फ्रेंड्स कि माना 2.6 बराबर ए मान लेंगे, और यहाँ से 2.4 के जवाब पर हम रखेंगे बी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी अपान में ए माइनस बी, और देखिए इजक्वल टू ए इंटू ए को लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और बी इंटू बी को बी स्क्वायर, और अपान में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अपान में ए माइनस बी यहाँ पर दिया है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी को कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिल जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी मिल जाएगा। तो ए के जवाब कितना रखेंगे फ्रेंड्स, ए के जवाब रखेंगे 2.6 और प्लस में बी के जवाब पर लिखेंगे फ्रेंड्स 2.4। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि आपका 5 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका जो बी ऑप्शन होगा आपका राइट हो जाएगा। तो चले फ्रेंड्स, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.88 गुणे 0.88 माइनस 2 गुणे 0.88 गुणे 0.68 प्लस 0.68 गुणे 0.68, और अपान में दिया है 0.88 माइनस 0.68 का मान क्या होगा। तो हमको बताना है कि इसका मान क्या होगा फ्रेंड्स। तो ए ऑप्शन दिया है 0.1, और बी ऑप्शन दिया है 0.2, और सी ऑप्शन दिया है 0.3, डी ऑप्शन दिया है 0.4। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि 0.88 गुणे 0.88 करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक सिंपल ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, आप दिमाग लगाइए कि इसको 0.88 गुणे 0.8 यदि हम इसको गुणा करेंगे तो 0.88 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का 2 गुणे
0.88 × 0.68 प्लस इसको जब गुणा करेंगे तो 0.68 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका एक अलजेब्रा में आपका सूत्र होता है फ्रेंड, बीजगणितीय सूत्र में होता है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम इसी रूल पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ आपको यहाँ मानेंगे फ्रेंड्स कि माना 0.88 बराबर ए मान लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर आपका यहाँ पर दिया 0.68 तो 0.68 को क्या रखेंगे, बी मानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का ए हो गया है। देखिए कैसे यहाँ पर देखिए ए की जगह कितना दिया है 0.88 × 0.88 तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का 2 दिया है तो 2 × ए का मान कितना दिया 0.88 और बी का मान कितना दिया 0.68 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.68 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं जीरो, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए के माइनस बी के कितना, ए का मान कितना दिया फ्रेंड 0.88 और माइनस बी का मान कितना दिया 0.68 का स्क्वायर, ठीक है। और अपान में आपका दिया है फ्रेंड 0.88 और माइनस का दिया है 0.68। देखिए फ्रेंड्स आपको देखिए एक बार और समझा रहे हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका दिया है 0.88 × 0.88 तो इसके जवाब हम माने हैं ए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस 2 यहाँ पर देखिए दिया है 2 और इंटू ए का जवाब कितना रखेंगे 0.88 यहाँ पर आपका दिया है और बी का जवाब कितना दिया है 0.68 यहाँ पर दिया है और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.68 और गुणे 0.68 जब इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड 0.68 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स वही आपका देखिए यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.88 और माइनस का 0.68। अब देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए 8 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा और 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 2 और यहाँ पर 10 मिल जाए तो यानी कि 0.20 यानी कि देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। और चलिए देखते हैं फ्रेंड्स यानी कि आज का अंतिम प्रश्न जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा दिया है कि 1/3 में दिया है 3 − 1/2 − 1/7 का सरलतम रूप बताना है, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन आपका दिया है 13/32, बी ऑप्शन दिया 16/32, सी ऑप्शन दिया 15/32, डी ऑप्शन दिया 17/32। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स आपका दिया है कि 1/3 और माइनस का दिया है 1/2 − 1/7। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सबसे पहले नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए इसका हर 1 हो जाएगा। देखिए जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जाएगा 1/3 −1/ यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 7 × 2 = 14 और माइनस का 1। अब देखिए फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 − 1/ अब देखिए 14 में जब 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13/7। अब देखिए 7 का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से आपका आ जाएगा 1/3 − इस 7 का गुणा करेंगे तो 7/5 हो जाएगा 13। अब क्या करेंगे फिर इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए 3 यहाँ जब इसका 13 का एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा। अब देखिए 13 का 13 गुणा करेंगे 13 × 13 = 26 39 होता है यहाँ पर 39 हो जाएगा और माइनस यहाँ से हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे इस फिर 13 का 1 में गुणा करेंगे तो 13/ हो जाएगा आपका देखिए 9 में से जब 7 घटाएंगे कितना आएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 3 यानी कि 13/32। देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर चौथा दिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 13/32 यानी कि जो आपका ए ऑप्शन दिया फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा कि राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 4 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराया जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।